जनसंख्या पे बिल आएगा, अवश्य आएगा, किसी की ताकत नहीं इसको रोक ले। ये योगी है, ये छोड़ता नहीं है, ये तो दूसरे जो क्रिमिनल उनको नहीं छोड़ता, आतंकवादियों को ठोक ठोक के मारेगा। यहाँ कानून होना चाहिए इजराइल की तरह। राम जन्मभूमि के ऊपर हमला करना, जैसे पहले राम जन्मभूमि पे अटैक हुआ, मथुरा काशी पे हमला करना, पार्लियामेंट पे हमला, 26/11 की घटना, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट, दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में जगह जगह पे ब्लास्ट, जयपुर के अंदर 120 लोगों का एक दिन के अंदर ब्लास्टों में मारा जाना, जगह जगह पे गोलियां चलती थी। बताओ मेरे से, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या पिछले 7 साल के अंदर क्या कोई बड़ी घटना हुई? योगी है जी, हमारा बीजेपी से कोई तलक नहीं, जो योगी है, एक चलती हजार चलाता है, इधर मोदी चलाता है, कश्मीर के अंदर एक चलती हजार चलाता है, घर बैठे कोई काम नहीं, कुछ नहीं, आतंकवादियों की मदद पे आप आ जाएंगे? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। और वादा करता हूँ आपके चैनल से, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश में जो अलकायदा के जो दो आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश की ATS उनको गिरफ्तार करती है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है यूपी पुलिस पर और सरकार पर, एक तरफ मायावती कहती है कि यही समय क्यों चुना। आज ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनके ऊपर 14 आतंकवादी हमले हुए हैं, वो विस्तार से बताएंगे आपको कि आतंकवादी हमले कैसे करते हैं और ये अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी मंशा क्या थी। सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम। सर कैसे देखते हैं कि जो अलकायदा के दो आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे यूपी पुलिस पे और योगी सरकार पर भरोसा नहीं? कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी इसी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, वही पुलिस थी, वही प्रशासन था। जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी तो वही प्रशासन, वही पुलिस थी, आज भी वही पुलिस है। आतंकवाद के ऊपर पॉलिटिक्स क्यों? पंजाब के अंदर जब आतंकवाद समाप्त हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI, सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिल करके, BSP भी उसमें थी, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आतंकवाद को समाप्त किया। अरे अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाना और इतना खतरनाक उनका एक खेल था, राम जन्मभूमि के ऊपर हमला करना, जैसे पहले राम जन्मभूमि पे अटैक हुआ, मथुरा काशी पे हमला करना, भाई जी वे, ये पुलिस अगर ना पकड़ पाती, पुलिस का प्रशासन अगर सिस्टम कमजोर होता तो पूरे देश में दंगे होते, अगर ब्लास्ट होता, खून की नदियां बहती। ये तो पुलिस को हमें सलूट करना चाहिए, चाहे इंटेलिजेंस का इनपुट हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसके ऊपर हम राजनीति के आदर्श, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति के आदर्श हैं, हमें वो भाषा का इस्तेमाल करना है कि हमारी भाषा को अच्छी को सुन करके युवा पीढ़ी सही रास्ते पे जाए। अरे हथियार पकड़े गए, प्रेशर कुकर पकड़े गए, पूरे देश में 15 अगस्त के दिन एक साजिश थी पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की, पहले 26 जनवरी को डकैत ने तिरंगे झंडे का अपमान करा दिया, अब 15 अगस्त आई तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पिछले 7 साल के अंदर कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना हुई, कहीं ब्लास्ट हुआ? उससे पहले क्या होता था? पार्लियामेंट पे हमला, 26/11 की घटना, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट, दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में जगह जगह पे ब्लास्ट, जयपुर के अंदर 120 लोगों का एक दिन के अंदर ब्लास्टों में मारा जाना, जगह जगह पे गोलियां चलती थी। बताओ मेरे से, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या पिछले 7 साल के अंदर क्या कोई बड़ी घटना हुई? कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को नकेल में कस दिया, उनको पिसल दिया हमारी फोर्सेज ने, 370 धारा हटी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था वो नहीं होता, जवानों पे गोलियां चलती थी नहीं चलती। आज आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान के, बेटे बकरियों की तरह रगड़ रगड़ के उनको ढोलते हैं हमारे जवान। ये आज हमारा हिंदुस्तान इस स्थिति पे खड़ा है। सर्जिकल ऑपरेशन करो, पॉलिटिकल पार्टियां क्यों गए थे? अगर बाई जी प्लेन वहां गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो क्यों भेजा था, किसको पूछ के भेजा था?
अगर जिंदा शहीद की तरह सर्जिकल ऑपरेशन करके हमारे जवान जबाज आते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं, ये है कौन है पूछने वाले। जो ऐसे सवाल करते हैं वो मुल्क के साथ साथ मातृभूमि के साथ धोखा करते, मातृभूमि की पीठ पे छुरा मारते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, पॉलिटिकल पार्टी के हर लीडर को समझना चाहिए कि मैं एक आदर्श हूँ, युवाओं का आदर्श हूँ, समाज का आदर्श हूँ, मैं वोट की खातर, मैं सत्ता की खातर ऐसी बयानबाजी ना करूँ जिसमें इस संविधान की उल्लंघना हो, जिसमें नई जो जनरेशन है उसके ऊपर कोई भी गलत बात सोचने पे वो मजबूर हो। ऐसा सबसे बड़ा सवाल आता है कि 23 नवंबर 2007 में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ, फैजाबाद और इस तरीके के ब्लास्ट हुए थे, तो यही एक साजिश थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा, क्या राम मंदिर इन आतंकवादियों को खटक रहा है? मैं आपके सवाल काटता हूँ। जो वाराणसी के अंदर, जो कोर्ट के अंदर, जो फैजाबाद के ऊपर हमले हुए, मैं गया था वहाँ, उस कोर्ट में गया था, वकीलों को मिला था मैं, विक्टिम फैमिली को मिला था मैं। उनको छड़वाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी। उनके केस कमजोर करा दिए, उनको छड़वा दिया। बाटला केस के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो बहादुर शर्मा जी जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई इस मातृभूमि के लिए, आतंकवाद से लड़ते हुए, उसके लिए कौन खड़ा हुआ था? अमर सिंह समाजवादी पार्टी का लीडर, एक और लीडर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उम्र में बड़े हैं। क्या क्या पैसे दिए थे उन आतंकवादियों को केस लड़ने? 25-25 लाख, और पूरे वकील आज तक केस लड़े जा रहे हैं उनके। ये सच्चाई है। आज फिर गंदी राजनीति करते करते यूपी के अंदर फिर आतंकवाद की एक लहर फिर लाना चाहते हैं। इनको बता देना चाहता हूँ, योगी है ये, हमारा बीजेपी से कोई तलक नहीं, ये योगी है, एक चलती हजार चलाता है। इधर मोदी चलाता है कश्मीर के अंदर, एक चलती हजार चलाता है। दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद, पाकिस्तान के आने के बाद, जब पाकिस्तान ने धोखा दिया, नवाज शरीफ आईएसआई ने धोखा दिया, दीनानगर की घटना की अभी तक गोली जारी है, और उस घटना ने, दीनानगर की घटना ने 370 धारा को तमाम कर दिया काम। और आज ये क्या समझते हैं, इनकी राजनीतिक लड़ाइयाँ होंगी, इनकी कुर्सी सत्ता की लड़ाई होंगी सब पार्टियों की, पर जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, याद रखें ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये योगी है, ये छोड़ता नहीं है, ये तो दूसरे जो क्रिमिनल उनको नहीं छोड़ता, आतंकवादियों को ठोक ठोक के मारेगा। आप अपनी राजनीति करनी, अच्छी राजनीति करो, समाज की राजनीति करो, यूपी को तरक्की के रास्ते पर लेके जाओ, अच्छे मुद्दे पर आओ। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर मैं तो हैरान हूँ, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों के सीनियर लीडर आतंकवाद के मुद्दे पे खड़े होंगे, अलकायदा के साथ खड़े होंगे। यहाँ कानून होना चाहिए इसराइल की तरह। इसराइल के था ना एक पत्रकार, था पत्रकार थी एक लेडी, खिलाफ चली अपने मुल्क के, उसी वक्त था हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए। आतंकवादियों की मदद करने वाला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, उनके लिए सख्त कानून बने। जो आतंकवाद के खिलाफ कानून बनता है वही कानून उनके लिए बने, सही कानून बने। अरे घर बैठे कोई काम नहीं, कुछ नहीं, आतंकवादियों की मदद पे आप आ जाएंगे? जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, जितने बच्चे यतीम हुए, पूरे हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बही, क्या कभी उनके घर में ये गए लोग? क्या उन विक्टिम फैमिलियों के लिए घर में गए लोग कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं? आ जाते उनके लिए जो हिंदुस्तान की मातृभूमि को तोड़ना चाहते हैं, वहाँ कत्लेआम कराना चाहते हैं, हमारी बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके लिए आप खड़े हो जाते एक वोट बैंक की खातर? आज मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ योगी जी की उस जनसंख्या का जो बिल ला रहे हैं, मैं समर्थन करता हूँ। मैं पहले से बोल चुका हूँ, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। यहाँ सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कानून एक होना चाहिए, संविधान एक, कानून एक। ये नहीं कि योगी जी कानून बना दें और मध्य प्रदेश में दूसरा चले, पंजाब में, कानून एक हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दो बच्चे या तीन बच्चे जो सरकार का कानून हो। अगर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करना है तो, अगर इस देश को कोरोना जैसी बीमारी से एक जंग की तरह लड़ना है तो, अगर इस मुल्क के अंदर गरीबी को ख़त्म करना है तो, अगर इस देश के अंदर युवाओं को एक नई सोच पे लेके जाना है तो, जनसंख्या का बिल लाना सबसे बड़ी
एक कामयाबी होगी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, विकास के लिए। बेटा साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हमें योगी जी दे दो, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है। हमारे देश के अंदर तीन बहादुर योद्धे हुए। मैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें उसने कहा, अरे ये मोदी है, आज हमें बड़ा ध्यान रखना होगा, मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल। हिंदुस्तान के अंदर चार व्यक्ति हैं, मैं फिर कहूँ, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं ना, और वादा करता हूँ आपके चैनल से, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। मैंने शरीर के आधा हिस्सा गवाया है, मैंने दो शहीद मेरे हुए हैं, करवाए, मेरे साथ हुए, बम्बों गोलियों से शहीद हुए, मैंने मौत को देखा है, गले लगाया है, मौत मेरी दोस्त है, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र, मैंने आज नहीं तो कल जाना है, ये मुझे पता है, मैं जाना है, वो गोलियों से जाना है या कैसे जाना है। खून तो खोल रहा होगा जब आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। खून खोल रहा, तभी तो बोल रहा हूँ मैं आपको, तो बोलने नहीं दे रहा हूँ, मेरे अंदर से खून खोल रहा है। अभी चैनल पे किसी पे डिबेट करके आया, एक 75 साल के बुजुर्ग, सिर पे टोपी पहनी, रविदास जी कहूँगा उनको, उनको मैंने हाथ जोड़ के कहा, आप क्यों आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं, आपकी उम्र 75 साल है, मेरी उम्र आपसे छोटी है, मैं तो मौत को रोज गले लगा के करता हूँ, आज नहीं तो कल आंखों को बंद होना है, मौत मेरे हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में, कब नस दबेगी, कब चले जाऊँगा। इस उम्र में कितनी चुनाव आपने लड़े होंगे, यूपी के लीडर थे, इस उम्र में आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 200 साल है, 300 साल है, जो गंदी राजनीति करनी करो, लड़ो आतंकवाद के साथ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खो जाओ खड़े, पर जिंदगी का पल का पता नहीं, एक कुर्सी सत्ता की खातर एक 75 साल के मेरे पिता समान ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आतंकवादी नहीं थे, वो तो पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया। इसको पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ जाके तुमने इंटेरोगेशन की, वहाँ जाके देखा, चैनल वाले आए, चैनल वालों ने बुलाया और बोलना शुरू कर दिया, पुलिस ने कैसे पकड़ा, कल को वही बम जो थे किस तरीके से पुलिस वाले ले जा रहे थे, मौत का कफन बांध के वो बम ले जा रहे थे, कल को खुदा न खास्ता वो बम फट जाता तो कितने पुलिस वाले शहीद हो जाते, क्या कभी सोचा। हम खद्दर पहन करके, टोपी पहन करके, चैनल में आकर के कुछ भी बोलना शुरू कर देते, ये पॉलिटिकल पार्टियों की सोच है। मैं कई बार कहता हूँ, आज़ादी से पहले राजनीतिक होते थे कौन, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, जिनको अंग्रेजों ने लाठियां चलाई और कहा था आपकी एक एक लाठी आपके कफन का काम करेगी। वो जब निकलते थे घर से क्या कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, सब भारत माँ को आज़ाद कराएंगे। वो राजनीतिक लोग थे, नाम राजनीति था पर राष्ट्रनीति करते थे, मौत का कफन बांध के निकलते थे। ये लोग यूपी के अंदर, ये चंद लोग क्या कहते हैं, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, ये सब भारत माता में आतंकवाद को लाएंगे, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, ये सब भारत माता को नोच नोच के खाएंगे। वो राजनीति आज़ादी से पहले, और ये राजनीति उनकी आज़ादी देने के बाद, रोती होगी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की, वो रूह रोती होगी जब सोचती होगी, हमने तो इस भारत को आज़ाद कराने के लिए फांसी के रस्से को हाथ हाथ के चूमा था, हम चाहते तो हम बच सकते थे, पर हमने कहा नहीं, ये भारत आज़ाद तभी होगा, हथ हथ के गले फांसी को लगाएंगे, और बंदे मातरम करते हुए फांसी के रस्ते को चूम लेते हैं, और रोते होंगे आज की ये गंदी राजनीति को देखते हुए, जो आतंकवादी पाकिस्तान आईएसआई के इशारों पे आके इस मातृभूमि को तोड़ने की कोशिश करते, जो मातृभूमि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के रस्से को चूम करके इस भारत माँ को आज़ादी दी थी, आज उनकी रूह रोती होगी। एक वो खद्दर जब चिट्टा खद्दर पहन के निकलते थे, कहना राष्ट्रभक्त आ गए, जब खद्दर की टोपी पहनते थे कहता देशभक्त आ गए, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज ये जो टोपी पहनते हैं सिर के ऊपर, खद्दर पहनते तो कितने दाग इस खद्दर पे लगे होते हैं। मुझे सवाल पूछा था एक दर्शक शेखर सुमन ने सोनी टीवी में, कहता आप देशभक्त, मैं कहा मैं देशभक्त नहीं हूँ, मैं हजारों बार मर के जन्म ले लूँ, मैं कभी देशभक्त नहीं हो सकता,
कहता आपने खद्दर नहीं पहना, आपने क्या कपड़े दूसरे पहने, स्कार्फ पहना। मैंने कहा शेखर सुमन साहब, ये खद्दर जो था ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जलियांवाला बाग के खून से ये खद्दर बुना गया था। कहता आज, मैं कहा आज इस खद्दर पे इतने दाग लग गए कि अगर खद्दर पहन के मार्केट में बाजार में निकलेंगे ना, ठग आ गए, चोर आ गए, देश को धोखा देने वाले आ गए, जो आपने अभी अलकायदा के लिए नेताओं को ये कहते हुए सुना। मुझे यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं आ रहा। यूपी पुलिस आपके अंडर रही 10 साल भैया, फिर आपके पिताजी के अंडर रही वो यूपी पुलिस, फिर मायावती के पास रही 10 साल यूपी पुलिस, आज यूपी पुलिस बुरी होगी। आपकी बीजेपी से लड़ाई आप लड़ो, आपकी बीजेपी से पंचायत की लड़ाई लड़ो, आपकी बीजेपी से आने वाले टाइम पे एमएलए का चुनाव लड़ो। आज़ादी है, लोकतंत्र है, पर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को घसीटना वो धोखा है, इस भारत माता के साथ गदारी है। बेटा साहब, ऐसा तो नहीं है कि यूपी पुलिस ने इतने बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई की है? मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक अहमद हो गया, वो खीस कहीं ना कहीं अलकायदा के आतंकवादियों के माध्यम से अखिलेश यादव निकाल रहे हो? एक बात मैं स्पष्ट कहूँ, ये मुख्तार अंसारी और बड़े बड़े नेता मुझे याद नहीं, जहाँ कभी लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद के अंदर या वाराणसी के अंदर चुनाव लड़ते, लाल बहादुर शास्त्री जिनका खद्दर भी फटा होता था, ईमानदार, हमारे राष्ट्र के आदर्श, हमारे युवाओं के आदर्श, वहाँ कौन चुनाव लड़ते रहे? अंसारी जैसे लोग, एक एक दो और नाम है, वो लड़ते रहे। ये यूपी की हालत थी। आज वो यूपी की हालत की बाहुबली जो आतंकवादियों जिनकी उनकी सपोर्ट करते हैं, जो किडनैपिंग करते थे, जो बहनों के सुहाग उजाड़ते थे, जो बच्चों को यतीम करते थे, खुलेआम गोलियां चला देते थे, मायावती आई तो उस पार्टी में चले गए, समाजवादी आई तो उस पार्टी में चले गए, आज सबको पकड़ के बंद कर दिया। क्या गलत किया जी योगी जी ने? योगी जी को मुशर्रफ नहीं है, योगी जी नवाज शरीफ नहीं है, योगी जी ISI नहीं है, योगी जी से हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके राजनीतिक विरोधी हम सब हो सकते हैं, पर उनके काम के हम विरोधी नहीं है। जिन्होंने कहा जो यूपी के अंदर गलत काम करेगा, किडनैपिंग करेगा, गोला बारूद चलाएगा, लोगों को दम के ठा चल आगे, लंबा नहीं चलना है, चल आगे, ये उसका निशाना है। अब राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ होती, निकालिए रिकॉर्ड, ये मुख्तार अंसारी का निकालिए रिकॉर्ड, और जो हमीद कई लोग और हैं उनका रिकॉर्ड निकालिए, ये किन किन पार्टियों में रहे। BSP आई तो BSP में चले गए, समाजवादी आई समाजवादी में चले गए, अपने आप को बचाने के लिए। अब बचाकों को साधन ही नहीं। आज अगर इनका बीजेपी का कोई व्यक्ति गलत काम करता है, चल अंदर, अभी एक SP को BJP के एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा, उठा के बंद कर दिया, चलो इसके ऊपर केस रजिस्टर करो। अब इतने सालों का सिस्टम जो यूपी का ख़राब हो रखा है, और हम पॉलिटिशियनों ने ख़राब किया है, किसी ने नहीं किया, आम लोगों के लिए हमने तबाही मचाई। आज उस सिस्टम को ठीक करने के लिए यही एक तरीका था, और ये पंजाब का फार्मूला था, ये KPS गिल का फार्मूला है, ये सरदार बेअंत सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनका फार्मूला है, लाओ मारो ठा चल आगे। क्राइम नहीं होना, आम आदमी को जीने का हक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको जीने का हक देना है। उन्होंने कहा हमें सरकार नहीं चाहिए, योगी जी ने कहा देनी देना, वोट नहीं देनी ना देना, हमने क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना है, हमें आम नागरिक की रक्षा करनी है, और यही तरीका पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर चीफ मिनिस्टर को अपनाना चाहिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे सरदार बेअंत सिंह कांग्रेस के, लड़ाई सीधी, गोली का जवाब गोली, नरेंद्र मोदी जी आए गोली का जवाब गोली, PV नरसिम्हा राव जी आए कश्मीर के अंदर गोली, पंजाब के अंदर गोली, आज देखो अमन शांति आया। अगर आज वो फार्मूला योगी जी अपना रहे हैं तो इनको तकलीफ ये है कि इनकी जमीन नीचे जाती जा रही है, इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, इसलिए ये लोग कहते हैं जनसंख्या पे बिल नहीं आना चाहिए। जनसंख्या पे बिल आएगा, अवश्य आएगा, किसी की ताकत नहीं इसको रोक ले, और जिस दिन जनसंख्या का बिल पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ आतंकवाद ये अभी तो ख़त्म हो चुका है, आतंकवाद का नामो निशान नहीं होगा, और जो युवा पीढ़ी है उसको नया रोजगार, इस नया भारत, नई तरक्की मिलेगी। बेटा साहब, सबसे बड़ी बात है, जैसे जनसंख्या की बात आती है तो सकीफुल रहमान है वो तो कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, ऐसे अल्लाह के कानून से अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। पर भारत के अंदर एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा,
एक जनगणमन एक ही होगा, उसमें अलग कानून नहीं होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह से क्या भी, अल्लाह तो हमारे सबका है, ये कुछ भी बोल दें। अगर आज आप देखिए इतने बड़े स्टेट के सीनियर लीडर अगर अलकायदा का सपोर्ट करते हैं तो आप इन पर क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कुछ नेताओं ने, अरे कोरोना तो हमारे पास आता नहीं, कोरोना तो ऐसे आया है मोदी जी ने, ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। इसका मतलब हमारी राजनीतिक लोगों की सोच एक आदर्श की नहीं है, हमारी सोच है सिर्फ कुर्सी सता चाहिए, देश चाहे कहीं भी तबाह हो जाए। बेटा साहब एक सवाल और खड़ा किया उन्होंने कि अगर जनसंख्या कम हो जाएगी तो अगर बाहर के देशों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। ये ऐसी की तैसी, ये नरेंद्र मोदी है, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनको, ये योद्धा है हिंदुस्तान का, जिसने चाइना के चने चबा दिया, जिसने पाकिस्तान भी थर कर कांपता है, और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो भी वो कहते हैं, अरे नरेंद्र मोदी उधर देखना मत, ठीक है ना, ये क्यों भेज रहा ड्रोन, कभी ड्रोन देखे थे, क्योंकि आतंकवादियों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं वहां तो जाएंगे, वहां तो मौत है, घुसे नहीं लौट, लौटने की बात दूर है, एक नहीं सौ सौ मार के गोलियां छाननी कर देते, रखते भी नहीं, आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, है ना, ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का यूथ, NCC सिविल डिफेंस, नरेंद्र मोदी जी ने इतना तैयार कर दिया है, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को भी इस उम्र के अंदर शरीर टूटा हुआ बंदूक पकड़ के कहना जाना है सीमाओं की रक्षा करने के लिए, मौत का कफन बांध के जाऊंगा, इजराइल मुल्क है ना, कितना छोटा मुल्क है, कितना छोटा मुल्क है पूछना चाहता हूँ, छोटा है ना, आज दुनिया कांपती है इजराइल से, इतना सा मुल्क, इतनी सी आबादी, कोई उसके ऊपर हमला कर दे, उसके व्यक्ति पर दुनिया में हमला कर दे, दो दिन के अंदर ठा 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 और इजराइल वापस, आज हिंदुस्तान वो मुल्क बन चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने वो मुल्क को मजबूत कर दिया है। आज आतंकवादी आते हैं क्या, 26/11 की घटना करने आते हैं क्या, पार्लियामेंट पे हमला करने अफजल जैसे आते हैं क्या, क्या दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होते हैं क्या, पता है यहाँ एक ही चीज़ मिलेगी जिसका नाम होगा मौत मौत मौत, आतंकवादियों को कोई भी आ जाए, वो बोलता कम है करता ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।